राजधानी रायपुर में एक बार फिर से तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। सोमवार को कोरोना के 84 नए मरीज सामने आए। सबसे अधिक 22 मरीज बीरगांव से मिले हैं, वहीं 44 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 810 हो गई है और बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल से बातचीत की संवाददाता सत्या राजपूत ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर मीरा बघेल मौजूद है हमारे साथ। मैडम, आज कितने मरीज आए हैं और कितने डिस्चार्ज हुए हैं? आज हमारे यहाँ 84 नए मरीज आए हैं और 40 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक राजधानी में इतनी संख्या बढ़ गई है? जहाँ एक आंकड़ा इतना प्रदेश का हुआ करता था, आज राजधानी में हो रहा है? क्योंकि राजधानी वासी जो सावधानी बरतनी चाहिए वो बरत ही नहीं रहे। हम बार बार मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनेगा तो 70% चांस है कि वो वायरस नहीं फैलाएगा, और अगर दोनों मास्क पहनते हैं तो मात्र 1.5% फैलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलें। भी कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि कोरोना के कोई लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और यदि जांच किया जाए तो वो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो बेहतर होगा कि बहुत आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकलें। ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे बने रहें और फिजिकल डिस्टेंस, लोगों से दूरी बना के रखें, तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते। तो अभी आपने डॉक्टर मीरा बघेल को सुना, जिनका साफ कहना है कि अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जाएगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। बिना मास्क